जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीमों में क्या होगी जबरदस्त बदलाव, बताएंगे दोस्तों पूरी खबर की जानकारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार के T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम ही जीते, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वही दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इस साल वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाना है, जहां टूर्नामेंट जून के महीने में खेला जाना है, जहां भारतीय टीम ने अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। और इसी बीच भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने भारत को दो खिलाड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जहां रवि शास्त्री ने बताया है कि कौन से खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। दोस्तों ये दो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल हैं, जबकि इन दोनों खिलाड़ियों को पहली बार वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया है। वही भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा कि आगामी T20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे की बड़े छक्के लगाने की क्षमता से भारत को बड़े स्कोर बनाने में मदद मिलेगी, जबकि यशस्वी जायसवाल के साथ दुबे पर भारत की उम्मीदों का दारोमदार होगा। वही जायसवाल और दुबे 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगे। और शास्त्री ने ICC से कहा कि दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जहां एक यशस्वी जायसवाल है जिसने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, जबकि वह युवा है और बेखौफ खेलते हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले शिवम दुबे ने इस सीजन में 11 मैचों में 170.73 की स्ट्राइक रेट से 350 रन बनाए हैं। और शास्त्री ने शिवम दुबे को लेकर कहा कि मिडिल ऑनर्डर में उन्हें देखिएगा, वह आक्रामक है और मैच विनर है, जहां वह बेहतरीन अंदाज में छक्के लगा देते हैं और स्पिन गेंदबाजी को बखूबी खेलता है। और उन्होंने कहा कि तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी वह असरदार है, जबकि पांचवें छठे नंबर पर उसकी भूमिका अहम होगी। दोस्तों अगर कोई 20 ओवर में खेल का नक्शा बदल सकता है तो वह शिवम दुबे हैं, जहां उसका स्ट्राइक रेट 200 के आसपास है और जिससे भारत को काफी मदद मिलेगी। वही दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 अब ज्यादा दूर नहीं है, जहां 1 जून को पहला मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि भारतीय समय के हिसाब से देखें तो ये मैच 2 जून को होना है और पहला मैच मेजबान USA और कनाडा के बीच होगा। दोस्तों इसके साथ ही क्रिकेट इस महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। और इस बीच ICC की ओर से दी गई टीमों के ऐलान की आखिरी तारीख भी निकल गई है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या डेट निकल जाने के बाद भी टीम में बदलाव हो सकता है, तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों ICC का नियम है कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट के आगाज होने से 1 महीने पहले तक उसमें शामिल होने वाली सभी टीमों को स्क्वाड का ऐलान करना होता है, जबकि इस साल के विश्व कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही है और इसमें से ज्यादातर ने तो अपनी टीम घोषित कर दी है, लेकिन माना जा रहा है कि सभी ने अपनी टीम ICC को भेज दी होगी, जबकि उसे सार्वजनिक नहीं किया है। और ICC को टीम चाहिए होती है, उसके बाद भले ही उसे घोषित किया जाए या नहीं, जबकि उससे ICC को कोई लेना देना नहीं होता। और मसलन भारत ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया है, जहां पाकिस्तान ने अभी तक अपने 15 खिलाड़ियों के नाम नहीं बताए हैं। वही दोस्तों, ICC के नियमों के अनुसार टीमें अगर अपने स्क्वाड में कुछ बदलाव करना चाहें तो उसके लिए आखिरी तारीख 25 मई की रखी गई है, यानी टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक 5 दिन पहले तक सभी टीम की घोषणा के बाद भी खिलाड़ी अलग अलग जगह खेलते रहते हैं और उस दौरान वे चोटिल हो सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर ये नियम रख गया है, यानी अगर BCCI की सिलेक्शन कमेटी चाहे तो टीम में बदलाव 25 मई तक कर सकती है, लेकिन इसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। वही BCCI ने जब टीम घोषित की थी तो उसमें 15 खिलाड़ी शामिल किए गए थे और इसके साथ ही 4 खिलाड़ियों को रिजर्व में भी रखे गए थे। अगर टीम में कोई बदलाव होगा तो जो रिजर्व खिलाड़ी हैं, जहां उनकी एंट्री की दावेदारी पहले बनती है, जबकि इसके बाद किसी और खिलाड़ी के नाम पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो 15 खिलाड़ी चुने गए हैं वे बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और चोट या फिर घायल होने की कोई सूचना नहीं है। दोस्तों ऐसे में इस बात की भी संभावना ना के बराबर है कि उन 15 और 4 रिजर्व खिलाड़ियों में किसी भी तरह का बदलाव किया जाए, बाद में अगर कोई नई बात सामने आए तो मामला अलग होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दे, जब T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीमों का स्क्वाड चुना गया तो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे KL राहुल का नाम उसमें नहीं था, जिससे फैंस बुरी तरह से हैरान हो गए और BCCI से यह अपील करने लगे कि जल्द से जल्द भारतीय टीमों के स्क्वाड में बदलाव किया जाए, वही KL राहुल की वापसी जल्द करे। लेकिन दोस्तों BCCI की तरफ से अभी तक कोई जानकारी पुष्टि नहीं हुई है। वही दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान की धरती पर होना है, जहां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। और चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर पाकिस्तान ने लाहौर, रावलपिंडी और कराची के मैदानों को चुना है, जबकि PCB की तरफ से भारतीय टीम के मैच लाहौर के मैदान पर करवाने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया है।
कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएगी या नहीं। जहां टीम इंडिया को पाकिस्तान जाने पर आखिरी फैसला कौन लेगा, दोस्तों इस पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है। जहां राजीव शुक्ला ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में भारत सरकार हमसे जैसा कहेगी वैसा किया जाएगा, जब भारत सरकार अनुमति देती है तभी हम अपनी टीम भेजते हैं। दोस्तों उस मामले में हम भारत सरकार के निर्णय के हिसाब से जाएंगे और टीम इंडिया को पाकिस्तान जाने पर आखिरी फैसला भारत सरकार ही करेगी, जबकि भारत और पाकिस्तान अभी सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं और भारतीय टीम ने साल 2008 के बाद से ही पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। जहां पिछले साल भारतीय टीम एशिया कप में हिस्सा लेने भी पाकिस्तान नहीं गई थी और एशिया कप का मेजबान पाकिस्तान ही था। दोस्तों इसके बाद एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाया गया, जहां भारत के सभी मैच श्रीलंका में हुए थे, जबकि पाकिस्तानी टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 में हिस्सा लेने के लिए भारत आई थी। जबकि दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, वही पाकिस्तान ने मेजबान होने के नाते पहले ही क्वालिफाई कर लिया है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें हिस्सा लेंगे, जहां 8 टीमों को 4-4 के दो ग्रुप में बांटा जाएगा। वही हर ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी। वही पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का खिताब भारत को हराकर जीता था। दोस्तों तब टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली थे, जबकि दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम के खिलाड़ी आईपीएल में इस वक्त खेल रहे हैं और इस टूर्नामेंट से ठीक बाद टीम इंडिया के प्लेयर अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के लिए रवाना हो जाएंगे, तो ऐसे में खिलाड़ियों को रेस्ट का समय नहीं मिल सकेगा। हालांकि कुछ टीम ऐसी भी हैं जिनका अब प्लेऑन ऑफ में जाना नामुमकिन सा लग रहा है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये है कि क्या इन टीमों के खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे उन्हें रेस्ट दिया जा सकता है। दरअसल मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑन ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और ऐसे में जसप्रीत बुमराह को लेकर एक सवाल एमआई के बल्लेबाजी कोच किरण पोलार्ड से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वर्ल्ड कप से पहले बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए उन्हें रेस्ट दिया जाएगा या नहीं। जबकि मुंबई इंडियंस को आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के बावजूद बल्लेबाजी कोच किरण पोलार्ड ने कहा कि टीम का तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम देने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है और मुंबई ने सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में दूसरा शतक जड़ा और मुंबई की यह 12 मैचों में चौथी ही जीत थी। जहां T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए बुमराह को आराम देने के सवाल पर पोलार्ड ने कहा कि हमने इस पर कोई बात नहीं की है और मुझे नहीं लगता कि यह मेरा काम है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, वही हम सभी यहां पूरा आईपीएल खेलने के लिए हैं। दोस्तों पोलार्ड ने कहा कि हमारा लक्ष्य आईपीएल पूरा करना है और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। जहां पोलार्ड ने सूर्य कुमार यादव से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बल्लेबाजी कोच होने के नाते सबसे कठिन काम सूर्य कुमार जैसे बल्लेबाज से आक्रामक खेल को आगे बढ़ाना है, जहां उन्होंने कहा कि वह स्वाभाविक तौर पर आक्रामक बल्लेबाज है और वह हर गेंद को पीटना चाहता है। दोस्तों ऐसे में बल्लेबाजी कोच के लिए सबसे कठिन काम उसकी स्वाभाविक शैली को बदलना है, लेकिन बहुत ज्यादा नियंत्रण की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल क्रिकेट में इतने रन बन रहे हैं। और वहीं सनराइजर्स के असिस्टेंट कोच सिमोन हेलमोट ने कहा कि सूर्य कुमार ने शानदार पारी खेलकर मैच में शानदार वापसी की है। दोस्तों उन्होंने कहा कि वह अद्भुत क्रिकेटर है और विश्व कप में भी वह अपनी छाप छोड़ेगा, जहां वहां गेंदबाजी करना काफी कठिन है और उसके जैसा बल्लेबाज मिलना मुश्किल है। वहीं दोस्तों भारतीय टीम ने T20 विश्व कप वर्ल्ड कप 2007 का खिताब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था, लेकिन दोस्तों उसके बाद से ही टीम इंडिया ये खिताब नहीं जीत पाई है, जहां रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने पिछले एडिशन सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। तब टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। वही पिछले साल टीम इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप 2023 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार मिली थी। अब अगले महीने रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी और आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करना चाहेगी। दोस्तों अब इस पर भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है, जहां T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह ने आईसीसी से कहा कि रोहित शर्मा की मौजूदगी काफी अहम होगी, जहां हमें अच्छे कप्तान और समझदार कप्तान की जरूरत है जो दबाव में अच्छे फैसले ले सके, और रोहित ऐसा ही कप्तान है। जब हम 50 ओवरों के विश्व कप के फाइनल में हारे थे तब रोहित ही कप्तान थे, जबकि उसने बतौर कप्तान 5 आईपीएल खिताब जीते हैं और हमें उसके जैसे कप्तान की ही जरूरत है। वही दोस्तों भारतीय टीम में 2007 में डेब्यू करने वाले रोहित शर्मा के सफर को युवराज सिंह ने करीब से देखा है, जहां रोहित से पहली मुलाकात के बारे में पूछने पर युवराज ने मजाकिया लहजे में कहा कि बहुत खराब अंग्रेजी है आपकी। उन्होंने कहा कि बहुत मजेदार शख्स है तो हम उसे हमेशा छेड़ते आए हैं,
लेकिन रोहित शर्मा दिल के बहुत अच्छे हैं। दोस्तों युवराज ने कहा कि इतनी सफलता मिलने के बाद भी वह बदला नहीं है। दोस्तों यही रोहित शर्मा की खासियत है और हमेशा हंसी मजाक करता रहता है, जहां बेहतरीन कप्तान और मेरे करीबी दोस्तों में से एक है और मैं चाहता हूं कि वह विश्व कप जीते।